चेतना आंटी तुम्हारी दादी है। Exactly. हम तुम्हें छुपा लेंगे। It's so so spicy. मेरा मुंह on fire. देखो यहाँ पर बिस्तर खाली नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ईरा के बिस्तर पे सो जाओ। मैं और ईरा मेरे बिस्तर पे सो जाएंगे, कुछ दिनों की तो बात है। क्या सब किड्स एक ही रूम में सोते हैं? और नहीं तो क्या, मैदान की मिट्टी में सोएंगे। But it's so cramped up. यहाँ पे सही से सोने की भी जगह नहीं है और कितनी गर्मी है यहाँ पे, एसी भी नहीं है। ये अनाथालय कोई फाइव स्टार होटल नहीं है। एसी चाहिए तो चुपके मत रहो ना, आ जाओ चेतना आंटी के सामने, उनके कमरे में तो एसी भी है। लिसन, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इस टफी रूम में तुम लोग रह सकते हो, मैं नहीं। तो जाओ ना वापस, बुलाया किसने था? टिन्नू, ऐसे बात नहीं करते। तो इसके लिए अभी एसी भी लेके आऊं? पहाड़ों में ठंडी हवा होती है, एसी की क्या जरूरत है? रुको, एक मिनट में आती हूँ। अब ये क्या करने वाली है? अरे हटा सावन की घटा, इधर तो ठंडी हवा आ रही है। हाँ यार, बिल्कुल आई कैसी, पर ये सब हुआ कैसे? ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। गर्मियों के दिन हर रात को पूरे आंगन में पानी डाल देती थी, पूरी रात ठंडी ठंडी हवा आती थी। अभी थोड़ा कम गर्म लग रहा है ना? अब इससे बेटर और तो तुम कुछ कर नहीं सकती। ओके, मैं सोने की ट्राई करता हूँ। एक तो खातिर करो, उसके बाद गाली सुनो। मन तो करता है कि इसे यहाँ से बाहर फेंक दूँ। मेरी ईशा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, पर यह सैम को क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ईरा, सैम जहाँ से आया है ना, वहाँ इससे भी ज्यादा ठंड होती है, इसलिए उसे उस ठंड की आदत है। मेरी ईशा, मुझे तो रोज ऐसी ही ठंड चाहिए ताकि मैं अपनी ईशा से लिपट के चिपट के सोऊं। हाँ मेरी ईरा, हम रोज ऐसे ही लिपट के चिपट के सोएंगे, ठीक है? मेरी ईशा, कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? नहीं ईरा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हम्म,
What the hell are you doing? क्या हुआ क्या है तुम्हें? तुम क्या कर रहे हो? हम सबकी नींद बर्बाद कर रहे हो। नींद? पता है? Jet lag के कारण मैं पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन ये jet lag होता क्या है? Oh God! तुम लोगों को तो हर चीज़ explain करनी पड़ती है। Now listen, जब अमेरिका में डे होता है, तो यहाँ पे नाइट होती है। और जब यहाँ पे नाइट होती है, तो वहाँ पे डे होता है। जिसके कारण बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। अरे, नहीं यार जेट है, या नहीं लैग है। कोई पूछता क्या है, तू बोलता क्या है बे? You guys are so stupid. हमें stupid मत बोलो। Forget it. क्या हुआ है तुम्हें? Let it be ना। पहले मैं जो पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो। तुम fresh हो गए हो? सुबह में तो सब कुछ ही fresh होता है। मेरा मतलब है? तुम bathroom से होकर आए हो? तुमसे मतलब? अरे, चेतना आंटी और देवकी मिस के इस तरह आने से पहले तुम bathroom से होकर आओ, वरना पूरे दिन नहीं जा पाओगे। और तुम मुझे अब बता रही हो? Gosh. अब बाथरूम का रास्ता बताओगी या बाहर रोड साइन लगा हुआ है? ठाकुर, एक काम कर, बाहर कोई है तो नहीं, देख कर। ठीक है, और कटिंग तू भी जा। तू चल कटिंग, बाहर सिंह चल, भाग आप, भाग, भागड़ सिंह, बाहर सिंह तू भी चल। What is this? ये ओढ़ लो, ताकि चेतना आंटी तुम्हें पहचान ना पाए। बाप रे, सोचा नहीं था एक दिन बाथरूम का भी चौकीदार बनना पड़ेगा। कब इसके दो दिन हो और कब हमारी ड्यूटी खत्म हो। What the hell? क्या है? अब क्या हुआ सैम? ये बाथरूम कितना छोटा और गंदा है। मिस्टर, ये छोटा जरूर है लेकिन गंदा नहीं है। और यहाँ पे तो शावर भी नहीं है। शावर? मैं नहाऊंगा कैसे? वहाँ एक बाल्टी दिख रही है ना, उसमें एक लोटा है, पानी लो और सर पे डालो। तुम लोग कितना आवाज कर रहे हो, कोई सुनने का तो क्या होगा, चुप रहो। तुम लोग एक शावर नहीं लगा सकते? क्या वर? ये कोई तरीका है नहाने का? नहीं, हम तो ऐसे ही नहाते हैं, खड़े खड़े। यही सही तरीका है, लोटा उठाने में कमर टूट जाएगी क्या? नहीं बोलते। हटो, तुम लोग हटो, और तुम दोनों झगड़ना बंद करो। हटो। क्या स्ट्रेंज गर्ल है? मैं तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था, अब तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी, मत लो।
अपना हाथ साफ कर रहा है। तो साबुन से नहीं कर सकता? ये छोटी मिलिट्री, ये सैनिटाइजर है, इससे यहाँ जितने भी जम्स होंगे वो मर जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स, तुम जैसे बड़े जम्स नहीं मरेंगे। वैसे यहाँ टॉयलेट पेपर नहीं है? टॉयलेट पेपर वो क्या होता है? टिश्यू। मेरी ईशा, आप टिश्यू पेपर क्या होता है? ईरा उससे टिश्यू जिससे वाइप जिसे साफ करते हैं। तो फिर तुम धोते नहीं हो, शी गंदे। स्टूपिड, ये टिश्यू कमोड पे रखने के लिए, ताकि मेरी स्किन इस गंदी जगह को टच नहीं कर सके। लेकिन ईशा दीदी, ये शावर का आइडिया मस्त था। ये मुझे नहाने का मन कर रहा है, पहले मैं नहाऊंगा शावर में। अपुन नहाएगा? नहीं मैं नहाऊंगा। नहीं मैं नहाएगा। मैं नहाऊंगा। अपुन नहाएगा? क्यों? अरे अपुन चार दिन से नहीं नहाए ले। ठीक गंदा। स्टॉप इट गाइस, ये शावर मेरे नहाने के लिए है, और तुम सब गेट आउट, गेट आउट। और ये वृंदा दीदी का शेल्फ खाली क्यों है? धोने दिए होंगे ना ईशा दीदी? लेकिन कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। वो क्या है? चिंदाजीत के कपड़े यहाँ? ये वृंदा दीदी कहीं जा रही है क्या? वृंदा दीदी, आपने अपना बैग पैक क्यों किया? वृंदा दीदी, आप हमें छोड़कर जा रही हो? मैंने तो बस ऐसे, मैंने कपड़े पैक किए ताकि सैम को कपड़े रखने की जगह मिले, वरना खामखा हंगामा करेगा। ये लो, आ गई एक और समाज सेविका। वृंदा दीदी, मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा कि आप हमें छोड़ के जा रही हो। अरे छुटकी, पागल है क्या? मैं तुम सबको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? सच्ची नहीं जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। चल अब रोना बंद कर। चलो सब, नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ। हे, डोंट टच दैट, पीछे हटो, चलो पीछे हटो। क्यों छुआ इसे? खराब हो जाता तो? ये कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है क्या? डम्ब लोग है, कभी लाइफ में कंप्यूटर ही देखा क्या? अरे लिसन, आई एम सॉरी,
मुझे तुम पे शाउट नहीं करना चाहिए था। अब आई एम टेलिंग ना सॉरी, इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? ओके चॉकलेट खाओगी? लेकिन पहले रोना बंद करो, ये लो। आई एम सेइंग ना सॉरी, लो। इरा तू रो क्यों रही है? सैम भैया ने इरा को डांटा क्योंकि वो उनकी चीजें छू रही थी और भी बहुत कुछ कहा। इतनी सी बात के लिए तूने इरा को डांटा? लिसन, मैं बस समझता क्या अपने आपको? बच्चे है तो कुछ भी कहेगा। लिसन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, ओके? मैं छूता हूं तेरा लैपटॉप, चिल्ला। पीछे हटो। डोंट डेयर टू टच दैट। हिम्मत नहीं है? ये सारी ढोस बच्चियों पे उतारता है। Listen, I'm warning you, okay? छोड़! ये तू इससे बोल ना, पता है ये इरा पे चिल्ला रहा था। इसे बोल कि ये इरा से माफी मांगे। बस कर टिन्नू, मुझे सब पता है। चिड़की ने मुझे सब बता दिया। तो तू फिर भी इसकी साइड ले रही है? इरा ने इसका लैपटॉप छुआ, इसने बिल्कुल सही किया कि इरा को डांटा। पता है लैपटॉप कितना महंगा होता है? अगर कुछ हो जाता तो तुझे भी इरा को समझाना चाहिए। और तू लड़ रहा है, इरा को तो ऐसा ही लगेगा ना कि उसने कोई गलती नहीं की है। हाँ, और वैसे भी इरा से माफी मांगने के लिए सैन ने उसे चॉकलेट दिया था ना, देख अभी नहीं रो रही है वो, कितनी खुश है। पता है टिन्नू, मुझे लगता है तुझे सैम पसंद नहीं, जब देखो उसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। टिन्नू ने जो भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। ईरा तू ठीक है ना? तुमने सैम भैया का लैपटॉप छुआ, उनसे माफी मांगी? सॉरी सैम भैया। इट्स ओके। मैं चेतना आंटी के पास जा रही हूँ कल का हिसाब किताब देने। यहाँ कोई झगड़ा नहीं करेगा, खासकर कि तुम टिन्नू। ये कला है और इसकी वजह से ईशा मुझसे नाराज है, अपने दोस्त से। हाँ, और नए क्लासरूम्स के लिए ब्लैकबोर्ड, इरेजर, चॉक और पेंस मंगवा लो। और अमेरिका से फोन है, जरूर समर्थ का होगा। जी, समर्थ कौन? मेरा पोता। हेलो हेलो सब। अरे बहू तुम, मुझे लगा समर्थ का फोन है। कैसा है वो? क्या 2 दिन से गायब है, कहाँ चला गया? समर कैंप, लेकिन वहां पहुंचा नहीं। पुलिस को इन्फॉर्म किया? उन्हें कहो और कोशिश करें। अरे छोटा बच्चा है वो, कहीं कुछ हो गया तो। हाँ हाँ, तुम दोनों भी ढूंढो और कुछ पता चले तो मुझे फोन करना, ठीक है?